चलो यार, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें बारबेरियन मूवी देखनी है पर तुम्हें इस मूवी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये मूवी श्योर शॉर्ट तुम्हें एक अच्छा ऑप्टिमल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। पर दिक्कत की बात नहीं अगर तुमने इसका ट्रेलर देख भी लिया है तो, क्योंकि यार ये मूवी का जो ट्रेलर है और जो मूवी है, ट्रेलर बिल्कुल भी रिवील नहीं करता है कि उसमें जितने भी सस्पेंसेस होने वाले, जितने भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, इसलिए ये मूवी तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाती है। एंड दैट्स द रीजन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। इसी रीजन से ये मूवी का रिव्यू बनाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं तुम्हें मूवी का ना बेसिक प्रीमाइस एक्सप्लेन करूंगा और जो तुम्हें थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है वो तो मूवी से मिल ही जाएगा। देखो, मैं बारबेरियन मूवी के ना काउंटलेस नंबर ऑफ थिंग्स है जिसकी तारीफ भर भर के कर सकता हूँ, और जो इसकी सबसे बढ़िया चीज लगती है ना वो इसका डायरेक्शन लगता है। हर शॉट के अंदर तुम्हें ऐसे एम्प्टी स्पेसेस और फ्रेम्स दिखाए गए जिसकी वजह से तुम ये सोचने लगोगे कि यार चल क्या रहा है मूवी के अंदर, मतलब कुछ ऐसा भूत आने वाला है, कुछ ऐसे क्या मतलब होने क्या वाला है। डायरेक्टर हमें बेसिकली लर्क कर रहे थे और ये सोचने में मजबूर कर रहे थे कि तुम सस्पेंस में ही मर जाओ। हमारी मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है कि एक लड़की हमें दिखती है जिसने ना एक सिटी के अंदर एयरबीएनबी रेंट किया हुआ है, उसको वहां पे ओवरनाइट रुकना है, और वो वहां पे जैसे ही पहुंचती है उसको ये पता चलता है कि उसी सेम घर के अंदर किसी और ने भी ना एयरबीएनबी रेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम रहता है कीथ, जो कि हमारा बिल स्कार्सगार्ड का कैरेक्टर है। अब सिचुएशन यहाँ पे ये आ गई कि डबल बुकिंग का सीन हो गया है, अब दोनों ने एक ही घर को रेंट कर लिया है, इसलिए वो लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि उसी घर के अंदर दोनों एक रात के लिए रुक जाते हैं और सुबह वो लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेंगे। तो ठीक है, सब सॉर्टेड है, सब लाइफ बढ़िया चल रही है, पर ऐसे कैसे, ये तो हॉरर मूवी है। उसी पॉइंट से मूवी एक रेजर शार्प थ्रिलर मूवी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये मूवी अपने सारे ऑडियंस को इनहेरेंट अनइजीनेस की वजह से ना इन्फेक्ट भी कर देगी। जो मूवी का 2/3 पार्ट है वो बहुत ज्यादा टेंस है, उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा अनइजीनेस, क्वाइटनेस, लाउडनेस एज वेल एज शॉकिंगनेस भी देखने को मिलेगी। मेरे तो पैर भी कांप रहे थे क्योंकि मैं अनइजीनेस में मरा जा रहा था कि यार वो लोग बता ही नहीं रहे कि सस्पेंस एक्चुअली है क्या। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और एक डिसेंसिटाइज एक्सपीरियंस है मेरी आंखों के लिए, क्योंकि हमें रोज रोज एक अच्छी हॉरर मूवी देखने को नहीं मिलती है। हर कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही एफिशिएंट वर्क किया गया है, स्क्रिप्ट अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती है, सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी और जर्नी आराम से समझा देती है, हमें हर कैरेक्टर की डीप जर्नी आराम से समझ में आती है, एज वेल एज जो उनका एक मेटाफोरिकल डेप्थ ऑफ हेल है उसको वो किस हिसाब से थ्रस्ट कर रहे हैं वो भी समझ में आता है। इवेंचुअली तुम्हें कार्नेज के साथ साथ एक नर्व शेडिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल भी डिस्पोजेबल नहीं है। एंड ओवरऑल ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है मुझे, पर यार इट इज नॉट एट ऑल अ परफेक्ट मूवी, क्योंकि यार देखो फिल्म का जो नरेटिव है वो बहुत ज्यादा कंपेलिंग नहीं है, एज वेल एज जो उसकी पेसिंग है वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। और ये जो फैक्टर है वो इस मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी पूरी मूवी है उसका जो फिनाले आने वाला है उससे पहले उनको तीन कैरेक्टर जो है उनकी अलग अलग स्टोरीज दिखानी है। तो यार आई वॉज थिंकिंग यार इस चीज को बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट एज वेल एज क्रिस्पी और बनाया जा सकता था। एनीवेज, मूवी के कैरेक्टर्स को लेकर ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शंस भी होने लगेंगे। तुम्हें कभी लगेगा कि यार ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है, कभी लगेगा ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब ऐसे फीलिंग आने लगेगी कि यार ये तो विलन भी हो सकता है। नो स्पॉइलर, बट इसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि तुम्हें देख के बार बार यही फील आता है कि यार ये हीरो भी हो सकता है और विलन भी हो सकता है, और इस पूरा क्रेडिट ना इसके डायरेक्टर एज वेल एज स्टोरी राइटर को जाता है, एज वेल एज जो एक्टर है जिन्होंने अपनी एक्टिंग तो बेस्ट की ही है। ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ कि बारबेरियन मेरे अंदर एक ऐसा फिजिकल रिएक्शन इंड्यूस करती है, मैं रात को बैठ के इस मूवी को देख रहा था और मैं अपने हार्ट बीट को आराम से सुन भी पा रहा था, और वो भी इसी रीजन से क्योंकि इसमें इतना ज्यादा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस मिलता है मुझे, जो कि मेरे को ऐसा फील करवाता है कि यार आगे सीक्वेंस में होने क्या वाला और एक्चुअली सस्पेंस है क्या, क्योंकि एक स्केरी मूवी मतलब एक हॉरर मूवी नहीं है, पर ये तुम्हारे अंदर एक एड्रेनलिन पंपिंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करती है, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद किसी एक अच्छी हॉरर मूवी में एक्सपीरियंस किया है। इंटेंस लोकेशंस, सडन वायलेंस एज वेल एज ब्लडी स्प्लैटर, भाई मैं तो इस मूवी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड ओवरऑल इस मूवी के अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि हमें इसका प्रीक्वल भी आराम से मिल सकता है, तो मैं सही में विश करता हूँ कि ये लोग इसका प्रीक्वल भी बना दे, मैं जाऊंगा भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस रिव्यू एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें द इनविटेशन मूवी का भी रिव्यू देखना है तो यार उसका थंबनेल तुम्हें ऊपर दिख जाएगा, तुम लोग उस पर पत्थर फेंक के मारो या कुछ भी करो, बस वीडियो जरूर देख लेना। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।